आंदोलन है तैयार, भीम आर्मी भी है तैयार, योगी मोदी खबरदार खबरदार, महिलाएं है तैयार, विरोधी है सरकार, महिला विरोधी है सरकार, विरोधी है सरकार। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली के संसद मार्ग पर आज हजारों की संख्या में छात्र और प्रोफेसर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो सरकार 13 पॉइंट रोस्टर का जो सिस्टम लेके आई है, प्रणाली लेके आई है, सरकार उसको वापस करे और 200 पॉइंट रोस्टर का जो पहले प्रणाली थी सरकार उसको पुनः बहाल करने का काम करे। तो छात्रों से बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे और दिखाएंगे कि इनकी मांग क्या है और अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो आगे के लिए इनकी क्या रणनीति होने वाली है। क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के बाद? आज के प्रोटेस्ट में हम लोग का एक सूत्री मांग है जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया है उसको वापस ले और 200 पॉइंट रोस्टर को पुनः बहाल किया जाए। जो 13 पॉइंट रोस्टर संविधान के पूरी तरह खिलाफ है, संविधान के इसमें जो समानता का मूल अधिकार दिया गया है 14 से 18 के बीच, उसके पूरी तरह से खिलाफ है। और हम लोग मांग करते हैं जो हमारी जनरेशन के, हमारी जाति के, हमारे कैटेगोरी की जो पहली पीढ़ी विश्वविद्यालय में दाखिल तो ले लिए, लेकिन अब जब नौकरी की बारी आई, प्रोफेसर बनने की बारी आई, उसमें जो इनको पूरी तरह से उनको बाहर करने की जो साजिश है 13 पॉइंट रोस्टर के थ्रू, उसको 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए और सबको अपना मौका दिया जाए। तो पहली पीढ़ी जो ओबीसी और दलित के पहली पीढ़ी विश्वविद्यालय में उसको प्रोफेसर, टीचर बनने का मौका मिले। इतनी बड़ी संख्या में ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोफेसर आए हैं, क्या लग रहा है सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगा? सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब होगा क्योंकि हमारी जो आबादी है 85% है ओबीसी दलितों की आबादी है और ये 15% आबादी वाले को इन्होंने 10% रिजर्वेशन, स्वर्ण रिजर्वेशन दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला जो संविधान का पूरी तरह खिलाफ है। संविधान के जो समानता के अधिकार में दिया गया है जो सिर्फ जाति और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन हो, क्योंकि शोषण जाति के आधार पर होता है, ना कि गरीबी के आधार पर। एक गरीब ब्राह्मण को भी कोई अलग नहीं करता, अलग नहीं बैठाता, लेकिन एक मंत्री रामविलास पासवान, जगजीवन राम थे, जब वो मंदिर में जाते हैं तो दूध से मूर्ति को धोया जाता है। तो पक्षपात जाति के आधार पर होता है, तो रिजर्वेशन इसीलिए समानता के अधिकार में जाति के आधार पर दिया गया था और उसी का जो 13 पॉइंट रजिस्टर जो है उसी को फिर खत्म करने के लिए दिया गया। तो चुनाव पर असर पड़ेगा, इनको अध्यादेश लाना पड़ेगा क्योंकि 85% जनता उठ गई है, 85% जनता की जो युवा पीढ़ी है वो उठ गई है और इनको मोदी सरकार को लाना पड़ेगा। कहाँ से आए आप लोग? हम देवरिया से आए हैं। देवरिया से इसलिए दूर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है सरकार मानेगी? हमारे नवयुवकों की हाल है और हम लोग 200 रोस्टर पॉइंट को लागू करने के लिए आज मार्च निकाले हैं। इस जन विरोधी सरकार, सामंतवादी मनुवादी सरकार ने नवयुवकों का रोजगार छीन लिया। जिस प्रकार इस सरकार ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा, आज युवा सड़क पर हो। कहाँ से आए आप? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आई हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और हम लोग सरकार से मांग करने आए कि 200 पॉइंट रोस्टर पे अध्यादेश लाया जाए और 13 पॉइंट रोस्टर रद्द किया जाए। ये सरकार पूरी ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है। 49.5% जो रिजर्वेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये सरकार इनडायरेक्टली उस रिजर्वेशन को खत्म कर दी है। हम लोग अगर ये रिजर्वेशन 13 पॉइंट रोस्टर लागू रहेगा तो हम लोग 300 साल पीछे पहुँच जाएंगे और ये सरकार की मंशा है कि वो दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए आगे नहीं आने देना चाहती है। वो चाहती है कि हम लोग जैसे पहले शोषित थे आज भी शोषित हो। इस न्याय की लड़ाई में हम लोग आज संसद भवन तक मार्च करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, तब तक हम यहाँ दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। सरकार 13 पॉइंट का रोस्टर लेके आई है, आप लोग मांग कर रहे हैं 200 पॉइंट रोस्टर का। क्या क्या ऐसी जो आपको लगता है कि 13 पॉइंट रोस्टर से आपको नुकसान होगा, बताइए? एक्चुअली 13 पॉइंट रोस्टर में जो यूनिट रखा गया है वो डिपार्टमेंट को रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग सीट डिवाइड होगी, वो एवरी 4, 7 और 14 सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए होगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे एक डिपार्टमेंट में 4 या 7 सीटें निकले, तो हमारे तो मौका ही छीन जाएगा, तो हमें चांस ही नहीं मिलेगा कि हम उसके लिए कॉम्पीट करें, हम अप्लाई कर सकें। इसलिए हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ और कॉलेज को एक यूनिट मान के रखा जाएगा जिसे हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में SC, SP ज़्यादा हो या किसी डिपार्टमेंट जनरल ज़्यादा हो। अगर वो नहीं कर सकते तो वो एवरेज सेकंड पोजीशन रिजर्व करके भी रख सकते हैं, जिससे हमें बराबर मौका मिलेगा और हमें हमारे हक मिलेगा। हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ से आए आप? इलाहाबाद से आया हूँ, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय अजीत यादव। क्या लग रहा है इतना दूर चल के सरकार मान लेगी आपकी मांग? एकदम मान लेगी। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग मनवा देंगे सरकार को। ये मनवादी व्यवस्था नहीं चलेगी और देश में दलितों और पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13 पॉइंट रोस्टर इनको खत्म करना होगा और विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है इसको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। इस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के के साथ अत्याचार किया जा रहा विश्वविद्यालयों में और देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके दलित पिछड़े नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग 2019 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आसान भाषा में संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों के लिए 13 पॉइंट रोस्टर से आपको क्या नुकसान है? 13 पॉइंट रोस्टर हमारे आरक्षित वर्ग का पूरा तरह से नगण्य कर देना, उनकी भागीदारी विश्वविद्यालय में पूरी तरह से आज भी विश्वविद्यालयों में सदन के पटल पे जो रिपोर्ट रखी गई सरकारी रिपोर्ट उसमें भी ओबीसी का एक भी नहीं, एससी के मराम मात्र के प्रोफेसर और टीचर नियुक्त किए गए हैं और 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से यह सरकार पूरी तरह से इनके हकों पे अधिकारों पे जाकर और दलित पिछड़ा आरक्षित वर्ग के लिए काला कानून का काम है और इसका हम जोरदार तरीके से विरोध करते हुए बताते हैं। इस वर्तमान केंद्र सरकार और न्यायपालिका को कि अगर इस देश में रहना है और कोई काम वैधानिक तरीके से होगा तो बहुजन वर्ग के साथ बराबर भागीदारी निभाते हुए ही हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारी जो संख्या है वो 85% है, तो क्या वजह है सरकार जो है 85% वोट बैंक को या 85% जनता को नहीं सुन रही है? तो 15% सवर्णों के लिए अगर आरक्षण ला सकती है सरकार तो 85% के लिए क्यों नहीं लेके आ रही है? ये जो सरकारें हैं शुरुआत से ही वंचित तबके पर, इतिहास में भी वंचित तबके पर लगातार अन्याय किए है, उसी को नाम से जो एजेंडा चल रहा है संविधान बदलने का लगातार हमला किया जा रहा है दलितों पिछड़ों पर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पेंगुला से लगा करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी रजनीकांत की हत्या हुई है, तमाम लोगों को संस्थानिक हत्या करते हुए दलित पिछड़ों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार तो कहेगी ना कॉलेज में इस तरह की आम घटनाएं होती रहती हैं, आम घटना नहीं है, सुसाइड नोट है, वहाँ के वार्डन और कुलपति के नाम लिखा है ये जिम्मेदार है, वहाँ के मकान मालिक जिम्मेदार है, वो शोषण कर रहे हैं। और जो देश में कानून 13 पॉइंट रोस्टर पे लाया गया है और सवर्णों के लिए 72 घंटे में अध्यादेश ला करके 72 घंटे में लागू कर दिया गया और दलितों और पिछड़ों का लगातार जो हक मारा गया है इस अध्यादेश को भी इनको 72 घंटे में लाना होगा। हम लोग करनाल से आए, हरियाणा से। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार मांगेगी? आपकी जो मांगे हैं उनको मानेगी या तो सरकार हमारी ये मांग को मान ले, नहीं तो 2019 में इस सरकार को खाट फेंकेंगे हम लोग। और हमारे पूरे बहुजन समाज में, पूरे भारत में जितना भी SC BC समाज है सब में आक्रोश है और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है कि जिस तरह से इस बीजेपी सरकार ने SC BC लोगों के हक धीरे धीरे करके खत्म कर रही है, उसके खिलाफ आज लाखों लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। और हमारा सरकार से पूरा ये मोदी को भी चैलेंज है, या तो इस फैसलों को वापस लो नहीं तो 2019 में हम मोदी के खिलाफ वोट करेंगे और इसको सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेंगे। 200 पॉइंट रोस्टर की बिल की मांग को समर्थन देने के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यहां पर पहुंचे हैं। तो राजेंद्र जी, 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर के आप सड़क पर उतर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? अध्यादेश सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कोई और उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, चूंकि ये सीधा सीधा खुला संविधान का उल्लंघन है और इस देश के SC, ST, OBC जिनकी संख्या लगभग 85% है उन सबको पूरे देश की यूनिवर्सिटी से पढ़ाने के क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। एक तरह से वो गुरुकुल वाली व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ SC, ST, OBC का प्रवेश वर्जित हो जाए, तो ये चलने वाला नहीं है। ये तो लड़ेंगे हम, ये न्याय की लड़ाई हम जीतेंगे। सरकार अध्यादेश लेके आए, कैसे करे इसको? सरकार तुरंत अध्यादेश लेके आए, तुरंत 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करे और विभाग वाइज वैकेंसी के बजाय वैकेंसी वाइज वैकेंसी पोस्ट निकलनी चाहिए और उसी हिसाब से SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% पूरा मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, केजरीवाल जी भी जो है इस प्रोटेस्ट में, केजरीवाल जी भुवनेश्वर है, मनीष सिसोदिया आएंगे आज मंच पे। अच्छा, मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। हमारे साथ में दिल्ली भीम आर्मी पार्टी के प्रभारी सुरजीत सम्राट जी हैं। तो सम्राट जी, आज जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी पार्टी को समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? देखो, यहाँ पर जो बहुजन समाज है पूरा यूथ आया हुआ है। हाँ। और ऐसे तो अंदाजा नहीं लगाया जाता कितना, मगर जितने भी दिल्ली के अंदर संगठन चल रहे हैं मोस्टली संगठन यहाँ पर है और भीम आर्मी की मजबूती से यहाँ पर भागीदारी है और भीम आर्मी के चीफ जनशेखर आजाद भी आए हुए हैं यहाँ पर। और पूरा देश में ये मैसेज है कि जो रोस्टर बनाया, 13 पॉइंट रोस्टर बनाया, गलत रोस्टर है। 200 पॉइंट रोस्टर था, वो बहाली होनी चाहिए उसकी। और जो 10% रिजर्वेशन दिया है आर्थिक आधार पर, वो संविधान की मूल भावना को ठेस पहुँचाने वाला है, इसलिए ये बदलना चाहिए और चेंज होना चाहिए। और हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसका पुरजोर विरोध करती है और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को लेकर जाएगी। क्या लग रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और 2014 में जो मोदी सरकार आई थी लोगों ने सोचा था कुछ चेंज होगा, मगर उन्होंने तो संविधान ही चेंज कर दिया, हमारे अधिकार ही चेंज कर दिए उन लोगों ने तो। और संविधान को चेंज करने के लिए उनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े कहते हैं कि हम सरकार में आए हैं तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं और फिर पार्लियामेंट के ऊपर जंतर मंतर पर 9 अगस्त 2018 को संविधान को जलाया जाता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी। आज भी भीम आर्मी ने ये जो पूरा प्रोटेक्शन है, जो पूरा ये मार्च है, उस मार्च को अगुवाई करने का काम किया है। भाई जनशेखर आजाद हुए हैं, लाखों की संख्या में नौजवान साथी आए हैं और पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर रतनलाल जी हैं। रतनलाल जी, 10% आरक्षण सवर्णों को दिया और अब रोस्टर पॉइंट के जरिए जो है बहुजनों का आरक्षण सरकार खत्म कर रही है, क्या कहेंगे? तो यही तो मैं अभी कह रहा था, ये त्रासदी है। एक त्रासदी कोर्ट की ओर से आया है, एक त्रासदी संसद की ओर से आया था। आतंकवादियों ने तो संसद भवन पे हमला किया था और इस बार त्रासदी ये है कि संसद के अंदर सांसदों ने संविधान के मूल स्वरूप पे हमला कर दिया है। ये 10% आरक्षण जो है एकदम निहायत ही गैर संवैधानिक है। संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण जो है वो एक प्रतिनिधित्व का सवाल है, वो कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। अगर गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम चलाना है तो आप कहीं और प्रोग्राम चल रहे हैं और भी चला लीजिए, लेकिन जो SC ST OBC का भी पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया किसी भी सेक्टर में, तो आप ये बताइए कि क्या उनके जगह जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए आदमी है, इंग्लैंड से आए हुए आदमी है कि यहीं के लोग हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अपर कास्ट जो है ओवर रिप्रेजेंटेड है इन ऑल सेक्टर्स, और तब उनको लीला करके आप जो है और कर रहे हैं। उसमें जैसे क्रीमी लेयर में जो OBC है उसका भी हक गया और SC ST OBC का भी हक ऐसे भी जाएगा। क्या लग रहा है सरकार अध्यादेश लेके आएगी? उनको लाना पड़ेगा, ये देश नहीं बचाया, लाना पड़ेगा ना। ये जब 11.5 घंटे में आप 10% आप आरक्षण पास करते रहे हैं तो आपको अध्यादेश लाने में कितना टाइम लग रहा है? देखते हैं कौन सांसद इसका विरोध करता है और कौन पार्टी विरोध करती है, किसने रोका है आपको? ये आपकी मंशा को दर्शा रहा है। आप जो नौजवान विरोधी हैं, बेरोजगार विरोधी हैं, आप किसी को नहीं रोजगार देना चाहते हैं। आज अगर सही से लाखों की संख्या में प्रोफेसर के पद खाली हैं और पूरे भारत सरकार की वैकेंसी निकाल दें तो कई लाख हैं। अगर आप सही से वैकेंसी बेस्ड रोस्टर भी कर लें तो 50% SC ST OBC, 50% और लोग भी तो आएंगे ना उसमें। तो आप किसी को देना ही नहीं चाहते हैं रोजगार, और खासतौर से SC ST OBC के खिलाफ है कि जो सीट ओपन होगा वो किसको जाएगा। क्या लग रहा है अगर सरकार अध्यादेश भी नहीं लाती है और ये 200 पॉइंट रोस्टर जो है नहीं आता है, 2019 के लिए कितना बड़ा मुद्दा बनाएंगे? तो दिस गवर्नमेंट मस्ट गो, इनको हराएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज देखिए हजारों की संख्या में सड़क पाट दी गई थी। ये कोई भाड़ा पे आए हुए तो पॉलिटिकल आदमी तो नहीं थे, ये स्वतः अपने खर्चे से देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग हैं। वो आए हैं और देख लीजिए कितना आक्रोश मार्च था। तो आप हर फ्रंट पे दलित मार रहे हैं, मुसलमान मार रहे हैं, किसानों की हालत आप देख सकते हैं, नौजवानों की हालत देख सकते हैं। ये अब हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं और खाली अडानी अंबानी और नागपुर की सरकार है, इस सरकार को हराएंगे। तो 200 पॉइंट रोस्टर की मांग को समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी का छात्र संघ भी यहाँ पर पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? मांग जो आपकी सरकार मानेगी, झुकेगी? देखिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए नौजवानों को जैसे आगे आना पड़ा था, भगत सिंह से लेकर तमाम लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए आगे आए थे, उसी प्रकार बहुजन समाज के 85% समाज का सभी नौजवान आगे आ चुका है और अपने हक और अधिकार को लेकर आएगा। सरकार 200 पॉइंट रोस्टर की आपकी मांग है नहीं मानती है तो कितना बड़ा मुद्दा बनाएंगे? देखिए, किसी भी देश के किसी भी सांसद को, वर्तमान सरकार के किसी भी सांसद विधायक को हम घूमने नहीं देंगे और जहाँ भी उसको बंधक बैठा लेंगे और उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो कृत्य हम लोग करने काम करेंगे। जो हमारे लोहिया जी भी कहा करते थे कि जिस पंडाल में अपने समाज की बात न हो। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 पॉइंट रोस्टर को दोबारा से बहाल करने के लिए तमाम जो है अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग जुड़े, प्रोफेसर जुड़े, कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर समर्थन दिया अपना। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या मोदी सरकार इस रोस्टर को दोबारा से लाने के लिए अध्यादेश लेके आती है या नहीं लेके आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव का इस मुद्दे पर कितना असर पड़ेगा देखना बाकी है। बहरहाल, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।